Yo, what's happening, guys? कैसे हो यार आप सब? आज बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपने वर्कआउट से पहले नहीं करनी. Alright, let's get into it. तो गाइस यार पहली चीज है खाली पेट ट्रेनिंग नहीं करनी, स्पेशली वेट ट्रेनिंग. अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ या मसल बिल्ड करना, खाली पेट मत ट्रेन करो मेरे भाई. और अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो या फास्टेड कार्डियो करते हो, मेरा सजेशन है या एडवाइस है यार, स्टिल हाफ अ बनाना, थोड़ा सा होता है, खा लिया करो. बिकॉज पहले 15 मिनट में बॉडी कार्ब्स यूज करती है एज एनर्जी सोर्स, उसके बाद फैट यूज करती है बॉडी. ठीक है, सो पहली थिंग, डोंट ट्रेन ऑन एम्प्टी स्टमक. यार इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भर पेट खाना खा लो. कुछ खाना है और थोड़ा टाइम पहले खाना. अगर आपने वर्कआउट 5 बजे करना है तो 4 बजे खा लो, क्योंकि अगर आप हैवी खाना खाओगे वर्कआउट करने से पहले, स्पेशली अगर आपने हैवी वेट्स करने हैं, तो वो सारा खाना डस्टबिन में मिलेगा, पेट में नहीं जाएगा. ठीक है, तो मेक श्योर आप खाओ थोड़ी देर पहले, ज्यादा क्लोज नहीं, गैप रखना है उसके बीच में. वॉमिटिंग नहीं होगी, हैवीनेस नहीं होगी, कोर एक्टिवेशन अच्छा रहेगा. यार बहुत बार हम सब गलती करते हैं, कभी कभी यार हमारा मन होता है कि हम ट्रेनिंग नहीं कर पाते. वो दिन सबके आते हैं, कभी सर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, या बैक में दर्द है, कुछ भी है. और होता क्या है, हम लोग पेन किलर्स या मसल रिलैक्सर्स लेके जिम में चले जाते हैं. गाइस एक बात ध्यान से सुनो, कभी भी ट्रेनिंग के टाइम मसल रिलैक्सर नहीं लेना या कोई पेन किलर नहीं लेना, वो रिवर्स इफेक्ट करते हैं. सो मेक श्योर अगर आप किसी दिन बीमार हो या कुछ आपको लग रहा है कि आपने दवाई खाई है, मत करो उस दिन ट्रेनिंग, अगले दिन चले जाना. ओके, और यार गाइस एक और चीज मैं बहुत देखता हूँ जिम में, और मैं भी ये गलती करता था, जिम में जाके स्ट्रेचिंग करने लग जाना, स्पेशली स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी. मसल्स कोल्ड है, उनको वार्म अप करना है, एक्टिव मूवमेंट करनी है, डायनामिक स्ट्रेचेस करनी है, वो भी मैं समझाऊंगा अलग वीडियो में. बट स्टैटिक स्ट्रेचेस नहीं करनी, बिकॉज मसल टियर, लिगामेंट टियर, इंजरी, रिकवरी में प्रॉब्लम. जब आपने जिम जाना है वर्कआउट से पहले, वार्म अप के टाइम डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है, एक्टिव मूवमेंट्स करनी है. और गाइस मोस्ट कॉमनली मिस्टेक हम सबने की है, मैंने भी की है, शुगरी ड्रिंक्स पीना या सिंपल शुगर खा लेना वर्कआउट से पहले, नहीं करनी. शुगर ही ड्रिंक्स या आप शुगर जब खाते हो तो वर्कआउट के टाइम आपकी एनर्जी बिल्कुल लो रहेगी. और जब आपने फूड कंज्यूम किया है, शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम किया, इंसुलिन स्पाइक कर लिया, एनर्जी आई, यहाँ चले गए जिम में एंड लुल हो गए वहां जाके. सो गाइस मेरा मतलब है यार, शुगर ड्रिंक्स मत लो वर्कआउट से पहले, वो 5 मिनट की एनर्जी मिलेगी, उसके बाद क्रैश हो जाएगी बॉडी. ठीक है, हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स फूड बिफोर अ वर्कआउट. गाइज नेक्स्ट पॉइंट है यार, स्टे हाइड्रेटेड. जिम से 1 घंटा पहले 1 लीटर पानी मत पी लेना, कुछ फिर जिम की बजाय आप बाथरूम में पड़े रहोगे और वर्कआउट लगेगा नहीं. क्या करना है, पूरे दिन थ्रू आउट द डे हमने पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, ताकि ये ना हो कि यार अब जिम जाना पानी पीना फटाफट. सो मेक श्योर आप ये गलती मत करो वर्कआउट से पहले. सो गाइस यार कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ थोड़ा सा प्रोटीन हमेशा वर्कआउट से पहले रखना है. ठीक है, शुगरी ड्रिंक्स पी के नहीं जाना जिम में. अब आज का मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है गाइस, कल मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू टुमारो.